समझ लीजिए हम लोग अभी निकलेंगे और माशाल्लाह बात यही रहेगी, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि बरेली में बारिश नहीं हो रही है, ये बहुत मज़े का बात हुआ। और काम भी हम लोग कल हमने लगाया बहुत सारा काम मांझा, जो कि बहुत बढ़िया तैयार भी आसिफ भाई के पास, शीशा भी हम लोगों ने कटवाया अपना काम के हिसाब से। हाँ, आज जो मैं नया ब्रांड निकालने जा रहा हूँ वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आपको वीडियो देखिए आगे आप लोगों को नज़र आएगी, और इसी टाइम में मैं बताऊँगा क्या क्या मैं कर रहा हूँ, सब आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है ना भाई। आप लोग दुआओं में याद रखिए और ऐसे ही चलते रहिए, ठीक है भाई, चलिए आगे। का लड़का जो है साहिल कुरैशी, ये पहले भी हम लोगों के साथ लायन किंग वगैरह आयुष कुरैशी के साथ बनाया करते थे, दोनों भाई है। और अभी देखिए ये बढ़िया तरीके से हम लोगों का तैयार किया जा रहा है, ठीक है, बरेली पाइथन। और मुन्ना भाई ने कहा कि ये मांझा इस बार देखने लायक का होगा इंशाल्लाह, ठीक है। और साहिल कुरैशी खुद अपना हाथों से बना रहा है ये डोर, ठीक है। जब जब बरेली पाइथन बनेगा कारीगरों का छुट्टी होगा और खुद अपने हाथ से बनाएंगे सब, ठीक है। देख लीजिए ये है डोर, डोर की आप लोग क्वालिटी देख सकते हो, ठीक है। और भी मैं क्वालिटी दिखाऊंगा एक डोर की, अभी वो लिपट रही है, ठीक है। एक चरखी और बहुत बेहतरीन है, और ये वाली सूत्र है साहिल, ये साहिल बाबू है मुन्ना भाई का लड़का, और इंशाल्लाह इस बार डोर फिर वही उभर के आएगी जो पहले जाया करती थी, ठीक है। डोर को आप लोग देखिए, इधर आओ, ये देखिए डोर, डोर को मैं एक साथ ले रहा हूँ, आप लोग देखिए झलक इसकी, ठीक है। डोर की क्वालिटी जो है पूरी दिखती है, ठीक है, आप लोग देखिए पूरी सफाई के साथ है डोर। और यहाँ पे डोर इसी तरीके से सब तैयार हो रही है, साहिल बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं और और सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग देख सकते हो कि ये जो है ना सब डबल ट्रिपल कोटेड किया जा रहा है, ठीक है। कोटेड मांझा क्या होता है, अभी छोटा पेज बहुत बढ़िया लड़ रहा है, ठीक है, मीडियम पेजों में कोटेड मांझा बहुत बढ़िया लग रहा है, तो हम लोग कोटेड मांझा तैयार करवा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। अभी एक चरखा बहुत ही सरप्राइज वाला है, देखिए मेरा कपड़ा बच गया तो खड़खड़ करने लगा एकदम अभी कपड़ा कटने वाली थी ऐसा लगा, तो आपका जाके लखनऊ की पहला डोर तैयार हो रहा है, आज ही इस डोर का उद्घाटन किया गया। मुन्ना भाई का कहना था कि जिस दिन आप आओगे उसी दिन इस डोर की उद्घाटन करेंगे, तो आज उसी डोर की तैयार हो रही है। और मेरा एक ख़ास दोस्त है, उसने भी कहा आसिफ भाई, सागर भाई लखनऊ वाले, तो उसने कहा कि आसिफ भाई जिस दिन ये डोर ओपनिंग होगी बरेली पाइथन तो मेरा बनेगा, तो आज बेल्जियम ग्लास सैम्पेन ग्लास के सहारे में ये मांझा तैयार हो रही है, ब्लॉक रखा जा रहा है, इसलिए मैंने ये वाली चरखी देखा, एक और चरखी तैयार हुई है, देखिए पांडा है, ठीक है, ये लायन किंग की पांडा है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो ये सब गुजरात जाएगी, ठीक है ना, ये आरिस कुरैशी बाबू सूत्र हैं, सब गुजरात जाएगी, गुजरात पंजाब फॉरेन कंट्री वगैरह, जैसा 12 तार 16 तार सब तैयार होता है सब फॉरेन कंट्री जाएगा। और इंशाल्लाह आप लोग देखिए, ये आप एक सरप्राइज वाली चरखी है, आप लोग देख सकते हो भैया लिपट रहे हैं, और तो एक बार रुक जाइए, ये देखिए सागर भाई दिल थाम लो, आपकी प्यास कलर की डोर बिल्कुल तैयार हुई है और बहुत ही तेज़ी से मैंने बनवा दिया है, ठीक है, डोर सारी गजब तैयार हुई है, और ब्लॉक भी देखो आप, आपकी, ठीक है, सब गजब ब्लॉक है। और आपके चरखी जो आपने दिया था ये आपकी चरखी है, ठीक है, और भैया आप लिपटेंगे,
लिपट लो आप। अब ये जो बल्ली पे भाई सूख रहे हैं, ये भी एक शानदार कारीगर है। मैं इनका आपको दिखाऊं डोर, जो कि धूप भी है, और इस डोर की उस तरफ दिखाओ, उस तरफ ये देखिए, ये इसकी सुताई, ये मुकम्मल सुताई नहीं हुई है, अभी दोहरा होके पड़ा हुआ है, ये आखिरी सूतेगा अभी, ठीक है। ये अभी भाई सूत रहे मेहनत से, अभी इंशाल्लाह ये काम चलता रहेगा आप लोग का दुआ से, और आप लोग ऑर्डर करें और सारा कोलकाता वाला आए हमारे पास, ठीक है। इसी हिसाब से मैं आप लोगों को सब दिखाते रह रहा हूँ, आप लोग हम लोगों के साथ वासिफ साइड एम्पोरियम के साथ जुड़े रहिए और सदा संपर्क बना के रखें, ठीक है ना। चलिए, जो सामने वाली है ये देखो, ये आपका मछली ढूंढ रहा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है, पूरा पानी है चारों तरफ, तालाब के जैसा, ये जंगल के पीछे भी पानी पानी है, वो कचरे के ये सीन जो है वो पहाड़ जैसा लग रहा है, ठीक है। और देखिए बेचारे को अभी तक मछली नहीं मिली है, तो बेचारा अभी भी बैठे हुए हो रहा, देख रहे मछली मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए इन लोगों को शिकार करने दीजिए, ये लग रहा है कुछ देखिए यही मिला है कुछ। जी भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग जो है नदीम भाई बशीर भाई के अड्डे में आए हुए हैं, और इस बार की टूर में मैं बहुत दिन बाद मैं अपने लिए मांझा ख़रीद रहा हूँ, ठीक है। शौकीनों को देने के लिए तो बनाते थे, लेकिन अपने लिए बना रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, आप लोग देखिए। नदीम भाई तो फिलहाल अभी बिजी है, नाम दो नदीम भाई, ठीक है। और ये इनके छोटे भाई हैं, काम काज के लिए बिजी है इसलिए, लेकिन अगर मॉडलिंग में जाएंगे तो सब हीरो किसी हीरो से कम नहीं है, सब चॉकलेट है समझ लीजिए, ठीक है। बरेली में भी हम लोगों का बड़ा हैंडसम और खूबसूरत लोग रहते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। मैं आप दिखाता हूँ, ये देखिए भाई साहब, ठीक है, काम देखिए। ये मेरा सिक्के वाली चरखी में मैं बनाया, जो इस बार की हमारी पतंगबाजी होगी, ठीक है, तो उसके लिए मैंने हंटर नंबर 1 बनाया, बिल्कुल ये 20 के सिक्के वाली में, बहुत दिन बाद थोड़ा सा अपने लिए पैसा खर्च कर रहा हूँ। और देखिए भाई यही वाले भी दिखाना जरा, इस तरफ से आओ अब, इस तरफ से आइए, ये आपके नाम वाली चरखी है, ये देखिए सफ़ी भाई जयपुर वाले जो मेरे को बना के दिया था, मेरी नाम वाली चरखी है। एक तरफ नाम क्यों है समझ में नहीं आई, देखिए इधर दिखा दीजिए जरा, रवि है नाम है, ये लिखा है, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, फिरोजी रंग है तो समझ में नहीं आई, ये मेरे नाम वाली और बिल्कुल मोटा पहिए वाली चरखी है। लेवल रखो आप, लेवल के फ़ोटो लेंगे हम, ठीक है। ये देखिए इनका चेहरे में है हंटर नंबर 1, डोर बहुत ही बढ़िया तैयार हो रही है, समझ लिए अड्डे से 2-3 डेली तैयार होती है, बाकी नंबर 1, ठीक है, आप लोग सब लिया कीजिए, बढ़िया डोर होता है समझे, और इसी हिसाब से सब इन लोगों की डोर तैयार हो रही है, क्या समझे, बहुत माशाल्लाह बढ़िया डोर सब तैयार हो रही है। एक चरखी मेरी और तैयार हो रही है कहीं पे, मैंने देखा था ये वाली है, हाँ ठीक है, ये देखिए, रुकना बेटा ज़रा सा, ये देखिए डोर की क्वालिटी, जो कि बहुत ही शानदार है, मेरे नाम वाले चरखी में है बिल्कुल, वासिफ जय हिंद जय भारत। और ये देखिए बिल्कुल डोर की झलक, ठीक है ना, बड़ी तगड़ी डोर तैयार हो रही है, और भाई का भी हक होता है जो मेहनत कर रहा है, देखिए भाई लोग बहुत शानदार डोर सूखते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल पूरे अड्डे जो है ये टोटल नदीम भाई बशीर भाई के अड्डे हैं ये, ठीक है, बहुत बढ़िया काम हो रही है। अभी हम लोग जो है निसार भाई के अड्डों में आए हुए हैं, और निसार भाई
देखिए बिल्कुल घूमते फिरते निसार भाई जरा सा मोटा हो गया लग रहा है, माशाल्लाह तंदुरुस्त है, ठीक है ना। देखिए एकदम हीरो बन गए अभी निसार भाई, ठीक है। अभी डोर भी बहुत बढ़िया सूत रही है सब, देखिए बहुत ही जानदार डोर सूत रहा है। डोर का मैं झलक दिखाऊं आप लोगों को, ये देखिए डोर की मैं एक जगह ले रहा हूँ इसकी झलक, ये देखिए दिखेगी, ये देखिए, ठीक है ना, बिल्कुल नेचुरल। इसकी शाइनिंग देखिए कितनी बढ़िया है ना। देखिए धूप की रोशनी पड़ी है, अगर मैं एक जगह इनको लेता हूँ तो आप लोग देखिए कितनी बढ़िया डोर यहाँ पे छमछमा रही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तैयार होकर रखा हुआ है। चरखी भी लिपट के आने में मैं रोकूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये सूरवीर नंबर वन है, दिखाइए भैया जरा सा चरखे, ये देखिए मैं धूप में ले जाऊं तो इसकी क्वालिटी आप लोगों की नज़र आएगी, ये देखिए बिल्कुल, ठीक है ना, बहुत ही शानदार डोर है। मौसम भी बहुत बढ़िया है, ये धूप की रोशनी है बिल्कुल, और बाग पे इसी हिसाब से तैयार हो रहा है डोर, आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। निसार भाई मसीहों का गरीबों का मसीहा, बहुत ही शानदार डोर सब तैयार हुआ है। निसार भाई ने अपना चरखा बनाया, आप लोग देखिए निसार खान रिजवान खान सूरवीर नंबर वन, ठीक है, ये देखिए डोर की क्वालिटी है बिल्कुल गजबधार क्वालिटी है, बहुत ही शानदार डोर तैयार हो रहा है। ये देखिए निसार भाई ने अभी ये सब मांझा सब एक जगह कर रहे हैं, एक मांझा का फ़ोटो मैं ले रहा हूँ धूप की रोशनी में, देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में डोर, और एकदम सफाई है। अब डोर अच्छी बनने की मौसम आ गई है और बराबर तगड़ी डोर मिलेगी, बहुत ही प्यारी डोर है बिल्कुल, आप लोग देखें बहुत ही प्यारी डोर है बिल्कुल, समझे, गजब है बिल्कुल गजब, बहुत ही शानदार डोर है, ठीक है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, जावेद भाई से मेरी बहुत पुराना संबंध है, लेकिन मांझा मैं पहली बार ले रहा हूँ 10 साल बाद समझ लीजिए, और जावेद भाई का तरफ से ये मैसेज है, आप भी बता दो जावेद भाई जो बात हुई है कि समझ लीजिए जो भी आप लोगों को मांझा चाहिए कलकत्ता में सब हम लोगों के पास आना, आज बिल्कुल एक नंबर ओरिजिनल लच्छी मिलेगी आप लोगों को, और बासित भाई से मिलेगी ओरिजिनल लच्छी एकदम, बताओ थोड़ा बताओ, एकदम ओरिजिनल लच्छी मिलेगी बासित भाई से, ठीक है। मैं इनको महंगी पैसा भी दूंगा, महंगी आप लोग लेना, और आप लोग डोर देखिए बिल्कुल सब झलकता हुआ है, ये मेरे लड़ाने के लिए बना के दिया उन्होंने, ठीक है, गजब डोर है सब बिल्कुल, बहुत ही शानदार डोर है, शीशा उन्होंने बिल्कुल अपना लगाया, ठीक है। अब जो कुछ भी है इंशाल्लाह आप लोग हम लोगों से मंगवाते रहना लेते रहना, सब जगह मिल जाएगी, अपने हाथ से बना रहे हैं डेली। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते भाई लोग, आज तीसरा दिन है हमारा बरेली में, आज हम फिर से बाकरगंज जाएंगे, सीवीगंज का कंप्लीट हो गया है, बाकरगंज जाएंगे, और आज मेरा आखिरी दिन है, ठीक है, कंप्लीट करके इसके बाद हम मुरादाबाद रवाना हो जाएंगे कल, तो कल से हमारा मुरादाबाद रहना होगा, और बहुत ही बेहतरीन रही बात समझ लीजिए, मौसम बहुत बरेली का बहुत फर्स्ट क्लास था, मज़ा आ गया बिल्कुल, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान है समझे, बहुत ही बेहतरीन। ये जो सिविल लाइन में हम लोगों ने ठहरा था ये बरेली जो सैगल होटल के सामने का जो इलाका है उस इलाके से ज़रा सा बेहतरीन है ये, ठीक है, और ये होटल भी बहुत बढ़िया है, जैसा मैंने शुरू में बोला था आप लोग सब यहाँ पे आना, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, सिविल लाइन में होटल सारा बढ़िया है और क्लीन वेदर है यहाँ का, बिल्कुल पॉल्यूशन लेस है, बहुत ही अच्छी है,
ठीक है। और मांझा का सारा अपग्रेड आप लोगों को मिल जाएगा। मैं कलकत्ता पहुँचूँ इंशाल्लाह 12 तारीख से हमारा काम चालू हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सब आएँ, जिसका जिसका जो सामान चाहिए सब मिल जाएगा। ठीक है।